सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो लेके आए हैं हरियाणा और पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर से पशु मंडी है डब्बू वाली पशु मंडी की ये वीडियो लेके आए हैं। इस मंडी में गाय और भैंसे दोनों ही जानवर काफी भारी मात्रा में आते हैं। ये मंडी हर संडे को लगती है, महीने में चार बार मंडी का लगने का टाइम है। अगर आपने गाय और भैंसे एक ही जगह से खरीदनी है तो आप इस मंडी में आकर गाय और भैंसों की खरीदारी कर सकते हैं। मंडी का जो माहौल है वो जानने की कोशिश करेंगे, पता करेंगे मंडी का माहौल कैसा है, कौन सा पशु किस रेट में बिक्री के लिए आया है। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, मंडी की जो लोकेशन है वो आपको बता दें, इस मंडी से तकरीबन जो बठिंडा शहर है वो लगभग 35 या 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हरियाणा का शहर है सिरसा, वो तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पता करते हैं मंडी का माहौल कैसा है, कौन सा पशु यहाँ किस रेट में बिक्री के लिए आया है। वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें फेसबुक और व्हाट्सएप पर। चैनल पर पशुओं से संबंधित ही समय समय पर वीडियो डालते रहते हैं, आप चैनल पर जाकर और भी पशुओं से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। मेरी दे दो। दोस्तों, सामने जो सर आपको जोटी चला के दिखा रहे हैं, बुरी नस्ल की जोटी है, काफी साफ सुथरी क्वालिटी है, हाइट लेंथ बढ़िया है, अडर काफी साफ सुथरा है। डिटेल सर से पता करेंगे, दूध और रेट के बारे में पता करेंगे, सर जो इसका मोल है वो क्या मांग रहे हैं और दूध का रिकॉर्ड है वो कितना होगा, इनका खरीद बेच का काम है या घर की पाली हुई जोटी है, सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। जोटी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, साफ सुथरा पशुधन है। सत श्री अकाल बापू। सत श्री अकाल। नाम दस दो जी अपना। विक्रम सर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? मुक्तसर चुडू हरियाणा पिंड पंजाब से ही हो। हाँ। तो खरीद बेच करते हो, घर की भैंस है? खरीद बेच करते हो। कितने भैंसे रखते हो घर पे? घर में भी है, पांच सात। पांच सात पशु हटे मिल जाते हैं। गाय रखते हो? नहीं, मैं ऐसे ही करते हैं। भैंसे भैंसे रखते हो। फोन नंबर बता दो जी अपना। 97-793-3860। अच्छा, तो ये जो भैंस आपने चला के दिखाई है, बुरी भैंस है, कौन से ब्रांड में है ये? दूसरे ब्रांड में। कितना टाइम हो गया भाई को? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। बच्चा नीचे? बच्चा मगर कर रहा है, कटड़ा है वो, तो पूरा नहीं है। नहीं। हाँ। ब्लैक ही है। ब्लैक। अच्छा, तो अभी खीस कितना है? 12। अभी मौके पे तैयार है। हाँ। तो मोल क्या मांग रहे हो इसका? मोल 1.20। कितने में छोड़ दोगे? 1.5 की। 1.5 की छोड़ दो। कितने पशु लेके आए थे मंडी में? लेके आए 4-5 पशु। बाकी बेच दिए? हाँ। कैसा है मंडी का मोल? मंडी ठीक भी है एकदम। अच्छा, ज्यादा तेज नहीं थी? ठीक है जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, भैंस की जो डिटेल है वो बता दी गई है, रेट भी बता दिया है, खरीद बेच का इनका काम है। अगर आपने पशु खरीदने हो बेचने हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पशु काफी साफ सुथरा था, डिटेल बता दी है। मंडी का रेट फिक्स नहीं होता, रेट मौके पे कम ज्यादा हो जाता है, उसी हिसाब से आप इसका जो अनुमान है वो लगा सकते हैं। दोस्तों, सामने जो भाई आपको जोटी चला के दिखा रहे हैं, क्वालिटी आप देखें, काफी साफ सुथरी, काफी बढ़िया क्वालिटी है।
हाइट लेंथ है वो भी मीडियम है, आर्डर का जो साइज है काफी बढ़िया है। डिटेल भाई से पता करेंगे, दो दो रेट के बारे में पता करेंगे, भाई का खरीद बेच का काम है या घर की पाली हुई जोटी है, सारी इंफॉर्मेशन भाई से लेते हैं। पूछ करी साइड पर चलो भाई साहब ठीक है जी। भाई नाम अपना? मेरा नाम मोहन है जी। अच्छा कहाँ के रहने वाले हो? नई वाला जिला मानगढ़। राजस्थान से हो? हाँ जी राजस्थान। भाई खरीद बेच करते हो? खरीद बेच करते हैं। अच्छा कितने पशु होते हैं डेयरी पर? डेयरी घर पे 5-7 पशु होते हैं। वैसे वैसे होती है? भैंस होती है। वैसे वैसे होती है। भाई फोन नंबर अपना? मेरा 82096-30234। 82096-30234। जैसे किसी ने पशु खरीदने हो आपके एरिया में बेचने, तो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? जी कर सकते। ये जो जोटी आपने चला के दिखाई है कौन से ब्यांत में है? दूसरे ब्यांत में है जी। कितना टाइम हो गया भाई को? 4 दिन ब्यांत हो गए जी। अच्छा बच्चा क्या नीचे? बच्चा कट्टी है। कट्टी है। अभी खीस है? खीस है जी। 14 लीटर ठंडा तैयार। कोई निकालना चाहिए निकलवा दो? हाँ निकलवा दे, घर बच्चा टाइम तसल्ली करके ले जाओ। अच्छा तो भाई इसका मूल क्या मांग रहे हो? जनरल 140 मांग रहे हो जी। छोटो कितने में? 1.25 की छोड़ दोगे? कुछ और मान सम्मान हो जाएगा? 18 किलो दोगे जी? 9 किलो टाइम का निकाल दे कितना? हाँ जी ठंडा दूध निकाल देगी। अच्छा जैसे कोई आपको पहले टोकन दे के निकलवाना चाहे निकलवा दोगे? तसल्ली से को 4 टाइम तसल्ली करके ले जा सकता है। अच्छा मंडी में कितने पशु लेके आए थे? 4 लेके आए थे। बेच दिए बाकी है? 2 बिकी जी। 2 बेच दिए, 2 बाकी है? 2 बाकी। मॉल कैसा है मंडी का? ठीक है मॉल बढ़िया। ओके भाई धन्यवाद। तो दोस्तों भाई ने जो जोटी की डिटेल बता दी है, भाई का खरीद बेच का काम है, किसी भाई ने पशु खरीदने हो बेचने हो तो आप भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बेवजह भाई के पास आप फोन ना करें, पशु खरीदने और बेचने हो तभी आप इनसे कॉन्टेक्ट करें। जोटी काफी साफ सुथरी है, अड्डर देखें आप काफी साफ सुथरा है जोटी का, थन मुठिया थन है, थनों का स्पेस है वो भी ठीक है। दोस्तों एक ये दूसरे नंबर पर जोटी है, ये भी भाई चला के दिखा रहे हैं, इसकी भी डिटेल भाई से पता करेंगे। हाइट लेंथ काफी बढ़िया है जोटी की, नीली रावी में क्रॉस है जोटी, पता करेंगे दूध कितना मौके पे है जोटी के, कितना टाइम बैयू हुआ है, रेट भाई इसका जो क्या मांग रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन भाई से पता करें। भाई ये दूसरे नंबर पर जोटी चला के दिखाई है, ये कौन से ब्यांत में? पहलवान है जी। पहले ब्यांत में कितना टाइम हो गया भाई को? 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए। बच्चा क्या नीचे? बच्चा पड्डी है। पड्डी है। तो अभी मुक्के पे दूध कितना तैयार है? 10 किलो तैयार है जी। अभी तैयार है जी। इसका मोल क्या मांग रहे हो? इसका मोल 95,000 मांग रहे। छोटे कितने में? 80,000 छोटे। कुछ और मान सम्मान हो जाएगा या क्या? 2,000 मौके पे हो जाएगा। मौके पे हो जाएगा जी। फोन नंबर एक बार और बता दो। 86096-30234। ओके भाई धन्यवाद। तो दोस्तों दो जोटी भाई ने चला के दिखाई है, एक तो पहले नंबर पर ये चला के दिखाई थी जोटी, इसकी भी डिटेल भाई ने बता दी है, और दूसरे नंबर पर ये जोटी चला के दिखाई है। जोटी दोनों ही काफी साफ सुथरी है, बाकी डिटेल अगर कोई जानना चाहते हैं तो आप भाई से कॉन्टेक्ट करके पता कर सकते हैं रेट के बारे में, और अगर भी पशु खरीदना चाहते हैं तो भी आप भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों सामने जो भाई आपको बैंस चला के दिखा रहे हैं, हाइट देखें आप भाई की, हाइट के हिसाब से आप बैंस का जो हाइट का अनुमान लगा सकते हैं, काफी ज्यादा हाइट है बैंस की, लेंथ भी काफी जबरदस्त है, पीठ पुट्ठा भी काफी शानदार है, काफी जबरदस्त क्वालिटी की बैंस है। डिटेल भाई से पता करेंगे, दूध और रेट के बारे में पता करेंगे, भाई का खरीद बेच का काम है या घर की पाली हुई बैंस है, सारी इंफॉर्मेशन भाई से लेते हैं। बैंस में दोस्तों किसी भी तरह की कोई कमी दिखाई नहीं दे रही, काफी साफ सुथरा पशुधन है, काफी जबरदस्त क्वालिटी की बैंस है। Oh
क्या भाई साहब? बहुत बढ़िया सर। भाई नाम अपना? नाम ऋतिक शर्मा। अच्छा एड्रेस? एड्रेस शहर मलोट है जी, डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहब जी। पंजाब से हो? पंजाब जी। तो भाई खरीद बेची करते हो आप? हाँ जी सोल पर। वैसे वैसे होती है? हाँ जी अकेली भैंस। अच्छा कितनी पैसे होती है? भैंस 15 पशु होते हैं। 15 पशु हटे मिल जाते हैं? हाँ जी मिल जाते। भाई फोन नंबर अपना? 8847030938। ठीक है भाई। तो आज मंडी में कितने पशु लेके आए हो? आज हाँ जी 10 पशु जी। 10 पशु लेके आए हो? कितने बेच दिए, कितने अभी बाकी है बिक्री के? वो बिक गया जी, अभी 8 बाकी है। 8 अभी बाकी है। हाँ जी। तो भाई ये जो भैंस चला के दिखाई है इसकी डिटेल बता दो, कौन से ब्यांत में आई है? तीसरा ब्यांत भाई है सर। ये तीसरे ब्यांत में भाई है, कितना टाइम है उसको? आज भाई को हो गए जी 5-6 दिन। 5-6 दिन हो गए बच्चा? हाँ जी। बच्चा कट्टी है जी, मगर कट्टी है। हाँ जी। तो भाई अभी खीस है दूध बना की? नहीं दूध बन गया जी। कितना दूध अभी तैयार? तो है मौके का 14 किलो जी। अभी 14 लीटर मौके पे तैयार है? मेरा मुला गिरा के 16-17 लीटर आसानी से डाल देगी। इतना निकाल देगी ये? नहीं भैंस की हाइट लेंथ काफी बड़ी है भाई, बहुत बड़ी। हाँ अच्छा भाई इसका मोल कितना है? इसका 1,40,000। छोटो कितने में? 1,30 की दे दोगे? 1,30 की दे दोगे। हाँ जी। तो भाई एक दो भैंसे और चला के दिखा लो जी। चला दोस्तों इस भैंस की जो डिटेल है भाई ने बता दी है, हाइट लेंथ काफी जबरदस्त है भैंस की, भाई ने दूध भी बता दिया और रेट भी बता दिया है। मंडी का जो रेट है वो फिक्स नहीं होता, रेट की मौके पे बार्गेनिंग हो जाती है, रेट कम ज्यादा मौके पे हो जाता है। किसी भाई ने अगर पशु खरीदने हो, भाई के एरिया में पशु बेचने हो तो आप भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बेवजह भाई के पास फोन ना करें, पशु खरीदने और बेचने हो तभी आप भाई से कॉन्टेक्ट करें। दोस्तों दूसरे नंबर पर जो भाई आपको जोटी चला के दिखा रहे हैं इसकी भी आप क्वालिटी देखें, काफी साफ सुथरा पशुधन है, काफी सुंदर जोटी है, हाइट लेंथ बढ़िया है, पीठ पुट्ठा शानदार है, अडर की जो क्वालिटी है काफी साफ सुथरी है। इसकी भी डिटेल पता करेंगे भाई से, दूध और रेट के बारे में पता करेंगे, भाई जो इसका मोल है वो क्या मांग रहे हैं। भाई साहब ये दूसरे नंबर पर जो जोटी चला के दिखाई है इसकी डिटेल बता दो, कौन से ब्यांत में है? दो दांत है ये, अभी पहले ब्यांत में है। पहले ब्यांत में दो दांत है? हाँ जी हाँ जी। तो कितना टाइम हो गया भाई को? भाई को उसको 8 दिन हो गई है। 8 दिन हो गए। बच्चा? बच्चा कट्टा जी, मगर नीली रावी है, प्योर प्योर जी, प्योर नीली रावी का हीरा ही दिखाई दे रहा है ये तो। हाँ जी हाँ जी, डायमंड है जी। हाँ डायमंड है भाई, काफी साफ सुथरा पशुधन है, बहुत कम है। हाँ हाँ हाँ, अडर भी काफी साफ सुथरा है, काफी बढ़िया अडर है। अच्छा भाई इसका जो दूध है कितना निकाल देगी दूध? ये दूध 10 किलो तैयार है जी, अभी मौके पे तैयार, मौके पे 10 किलो तैयार। तो इसका मोल क्या मांग रहे हो? इसका 1,05,000 रुपए। ये कितने में छोड़ दोगे? 90 की दे देंगे। 90 की छोड़ दोगे? हाँ जी। ओके भाई धन्यवाद। ओके। तो दोस्तों ये दूसरे नंबर पर भाई ने जोटी चला के दिखाई है, काफी साफ सुथरा पशुधन है, काफी बढ़िया क्वालिटी के। वैसे तो भाई की पहले भी चैनल पर काफी वीडियो डाली हुई है, भाई काफी साफ सुथरा पशुधन ही मंडी में लेके आते हैं। अगर साफ सुथरा पशुधन आपको चाहिए तो आप भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दो भैंस, एक भैंस भाई ने चला के दिखाई है ये, और ये की ये जोटी चला के दिखाई है, दोनों ही पशु काफी साफ सुथरे हैं, काफी बढ़िया है। अगर पशु आपने खरीदने हो बेचने हो तो आप भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।